तो आज हम देखते हैं कि पांच तत्वों का ही जो हलचल हो रहा है, मनुष्यों ने ही उसको यहाँ तक पहुँचाया है। तो हम भगवान को नहीं कहेंगे कि अभी आप इस सबको ठीक करें, परंतु हम अपनी ही जिम्मेवारी समझ करके अभी हमें कुछ कदम आगे उठाना होगा। तो हम ये तो अब शिवरात्रि का समय भी आ रहा है, परसों ही हम कल रात्रि को ही हम कहेंगे हम मनाना शुरू करेंगे। और शिवरात्रि के समय दो बातों का विशेषता होती, एक तो जागरण और दूसरा व्रत। तो समय अनुसार मनुष्य आत्माओं की जागरण की स्थिति किस तरह से हो, जबकि आध्यात्मिकता का जागरण होता। जब आध्यात्मिकता से हम दूर चले जाते हैं तो हम खुद अपने आप आत्मा से भी दूर होते, परंतु जो हमारा फर्ज कहता है पांच तत्वों के कनेक्शन से भी, उससे भी हम कुछ दूर चले जाते। परंतु जब आत्मा की जागृत स्थिति होती तो खुद के लिए भी ध्यान, मतलब कि जब खुद आत्मा का कनेक्शन अपने साथ है तो उसमें जो अपने आत्मा के स्वधर्म की पहचान होती, उसमें शांति, प्रेम, सत्यता, पवित्रता और खुशी, जीवन में ये सब कुछ भरपूर होता। और जब हम तत्वों के साथ भी अपनी जिम्मेवारी पालन करते हैं तो हम तत्वों को भी मिसयूज़ अब्यूज़ नहीं करते, परंतु और ही उन्होंने हमारे 5000 वर्षों से सेवा की है, जिस कारण से भारत इतना भरपूर रहा बहुत समय तक। एक कलयुग के अंतिम घड़ियों में भारत थोड़ा कुछ उसका नक्शा और हो गया, परंतु फिर से जैसे ही हम परमात्मा को याद करते, आत्मा के साथ संबंध जोड़ते, तो अपना जो कर्म में व्यवहार में बदलाव आ जाता, तो तत्वों को भी हम बचा सकते अथवा तत्वों को भी हम शांति का दान दे सकते। तो अब ये समय है कि हम जो जागृत स्थिति है उसमें ये भी हम सोच लेवें कि आज हम विशेष जल के लिए बात कर रहे हैं, परंतु पांच तत्वों का ही सबके साथ कनेक्शन है। परंतु जल के संबंध में जहाँ हम देखते हैं कि उसका अब्यूज़ मिसयूज़ हो रहा है, मुझे आश्चर्य लगा जब मैंने सुना कि एग्रीकल्चर में, इरिगेशन में ही सबसे अधिक से अधिक पानी का व्यर्थ खर्च हो रहा है। और फिर साथ साथ जहाँ पर मदर नेचर ने तो हमें स्वच्छ धरती दी थी, स्वच्छ पानी दिया था, परंतु मनुष्यों के कुछ कर्तव्य अनुसार कुछ अलग ही बात देख रही हैं। तो फिर से हम पानी को भी स्वच्छ बनाने का हम हर एक प्रयत्न करें तो फिर से वो पानी भी अपने स्वच्छ स्थिति पर पहुंच सके। और जैसे जैसे आत्मा परमात्मा की याद के द्वारा स्वच्छ बनती जा रही सत्व प्रधान स्थिति को प्राप्त करेंगी, उस आधार पर ही प्रकृति भी, पांच तत्व भी सत्व प्रधान बन सकते। ये मेरा न सिर्फ विश्वास, न सिर्फ उम्मीद है, परंतु पूर्ण विश्वास है कि ऐसे हम सब मिल करके जो यहाँ अब बैठे हैं वो तो ठीक है, परंतु सारे ही जो मनुष्य परिवार के हैं, यदि ये बातें उनके ध्यान पर आ जाए तो सचमुच फिर से स्वर्णिम भारत, सत्व प्रधान भारत, जिसमें तत्व फिर से मनुष्य आत्माओं का सहयोग देवे न कि विरोध करे, वो फिर से संसार आ सकता है। और उसमें यूएन का तो आप जानते हैं कि यूएन चाहती है कि विश्व में शांति हो, परंतु यूएन ने ये भी बताया है कई कॉन्फ्रेंसेस में कि अगला समय जो आने वाला है उसमें हमें पानी का बहुत कष्ट होने वाला है। तो यदि अभी से ही हम अपनी आंतरिक तैयारी करें और पांच तत्वों को और विशेष जल को भी हम अच्छी तरह से संभाल के चलें, तो फिर वो समय भी आ सकता है जब भी फिर से हम आराम से इस धरती पर रह सकेंगे।
भविष्य जो स्वर्ग आने वाला है, स्वर्णिम दुनिया आने वाली है, उसमें जितना हम अपने में खुद के लिए स्वमान हर मनुष्य आत्मा के लिए हम मान रखें, इज्जत रखें, परंतु साथ साथ जल के लिए भी हम वही प्रेम वही इज्जत भाव रख करके उसका इस्तेमाल करें तो एक परिवर्तन हो सकता। अभी मैं चाहेंगी कि कुछ चंद घड़ियों के लिए हम तत्वों को और उसमें भी विशेष जल को हम कुछ परमात्मा की याद के द्वारा योगदान देवें और उसमें मैं कुछ अपने मन के संकल्प बताती जाएंगी और आप अपनी शांति में बैठे वही मन के संकल्प दोहराएंगे तो हम सबकी मिल करके जो शक्ति प्रकट होंगी, शांति की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, वो ज़रूर विश्व में फैलेंगी। शांति में बैठे आत्म स्मृति में आते। मैं हूँ ब्रुकुटिके में निवास करने वाले ज्योति स्वरूप आत्मा। मेरा संबंध उस अनादि अविनाशी परमपिता परमात्मा शिव के साथ है। शिव परमात्मा कल्याणकारी बीज रूप पतित पावन दुखहर्ता सुखकर्ता। अब हम उनके जन्मदिन का जल्द में ही तैयारी कर रहे हैं। 87 वर्षों से परमात्मा का अवतरण इस सृष्टि पर हो चुका। इसी कार्य अर्थ आत्माएं हर जीव जंतु और प्रकृति सबको फिर से पावन सत्व प्रधान करने के लिए परमात्मा हमें ज्ञान की प्रकाष्ठा, योग की शक्ति, पवित्रता का बल ऐसे दे रहे हैं जिससे फिर से मनुष्य आत्माएं और हर जीवित जंतु पांच तत्व फिर से पवित्र सत्व प्रधान बन सके। इस अविनाशी संबंध को स्मृति में रखते परमात्मा की सकाश पतित पावन के पावन किरणें विश्व भर में फैल रहे हैं। पवित्रता की शक्ति से, योग बल की शक्ति से संसार सत्यता की ओर जाते, सत धर्म की स्थापना होते, सत्युग सत्यता का युग, दिन का समय अवश्य ही समीप आ रहा। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया।